पब्लिक टीवी आपकी आवाज। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व एक बार फिर मुरादाबाद में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज हम मुरादाबाद के लाइन पार्क में मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो माहौल है यहाँ पर, जो क्राउड है, उसको देखने के बाद में आपको आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रावण को देखने के लिए कितने लोगों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर किस तरह की भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप, क्योंकि यहाँ पर मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल भी हैं और वो लोगों से आदर सत्कार स्वीकार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मुरादाबाद का ये रावण है, जहाँ पर जिसे लगभग 95 फीट की ऊंचाई से इसे बनाया गया है। हर साल रावण की ऊंचाई में इजाफा किया जाता है। इस बार भी मुरादाबाद में लगभग 95 फीट का ये रावण बनाया गया है। आपको बता दूं कि मुरादाबाद के महापौर हैं यहाँ पर विनोद अग्रवाल हैं, वो मुरादाबाद के लोगों का सत्कार कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका कहना क्या है और जानेंगे कि आखिरकार जो मुरादाबाद के महापौर हैं, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुरादाबाद के जो महापौर हैं वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पब्लिक में क्रेज आप देखिए, मुरादाबाद मेयर साहब किस तरह का, मेयर साहब को देखिए किस तरह का क्रेज है। आप देखिए, सबसे बड़ा माहौल है जो लोगों में लगातार देखने को मिल रहा है। सब क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम? आज रामलीला मैदान दशहरे का पर्व विजयदशमी, यहाँ पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में पब्लिक हजू मौजूद है और ये 24 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। ये राम के अनुयायी है, यही भारत माता की, यही सनातन धर्म की पहचान है। देखो आओ और जय श्री राम। देखिए, यह है मुरादाबाद के महापौर जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भव्य मंदिर, मुरादाबाद जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण होने जा रहा है और 24 जनवरी को उसका जो शुभारंभ होगा उसको इन्होंने जोड़ कर देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जहाँ राम का नाम आ जाता है वहाँ पर जो लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक प्यार की जो अनुभूति है वो एक अलग ही अंदाज में देखने को मिलती है। मैं आपको दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि मुरादाबाद में जो रावण बनाया गया है उसको देखें कि आखिरकार जो ये 95 फीट का मुरादाबाद में रावण है और इसकी, क्योंकि हर बार एक तैयारी की जाती है प्रशासन की ओर से कि मुरादाबाद में जो मुरादाबाद का जो रावण होगा वो ऐतिहासिक होगा और लगातार कई वर्षों से यहाँ पर मुरादाबाद में इस रावण का दहन किया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।